डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हापुड़ मेरठ सीमा स्थित धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांस यमुना केमिकल फैक्ट्री में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मोहल्ला शिवपुरी निवासी दर्शन गोयल की यह केमिकल फैक्ट्री है। आग लगने के बाद वहां फंसे लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। आग के कारण व इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए मेरठ के अलावा गाजियाबाद से फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी। देखिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।